उपराष्ट्रपति धनखड़ दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए थे। इस जोधपुर दौरे के दौरान उन्होंने दौरे के दूसरे दिन राजस्थान बार काउंसिल के विधिक सेमिनार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। वहीं इस सेमिनार को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हम जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन कुछ सांसद पड़ोसी देश में हो रही घटनाक्रम पर बयान दे रहे हैं जो कि देश के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे बयानों पर चुप्पी साधना ही उचित है। उन्होंने कहा है कि ऐसी ताकत को न्यूट्रलाइज करने की भी भूमिका निभाई जानी चाहिए। वहीं इस सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी की ओर से देश में लगाए गए आपातकाल को लेकर भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने आपातकाल के खिलाफ जजमेंट दिया था। आपातकाल के समय आमजन को जबरन गिरफ्तार करना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस HR खत्री ने आपातकाल पर रेजोल्यूशन लिया, वहीं भारत माता पर आपातकाल थोपकर उसकी आत्मा पर घाव किया गया। उन्होंने कहा कि भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसके संविधान देश के सांसद से लेकर गांव की पंचायत तक का अधिकार देता है। उपराष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए यह भी कहा कि 2015 में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आपातकाल लगने की दिनांक 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय हुआ है। यह हर उस व्यक्ति की पीड़ा को याद दिलाएगा जिसने आपातकाल की पीड़ा झेली है। देश के लोकतंत्र में आपातकाल एक काला धब्बा है। जस्टिस सिंह ने इंदिरा गांधी के चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया तो देश में आपातकाल लगा दी गई। ये विषय यहां मीडिया के ध्यान में लाने के लिए यहां रखा, उन्होंने कहा, क्योंकि ये विषय हमारे मन, मस्तिष्क और आत्मा को चोटिल करने वाला विषय है। मैं इस विषय को आप पर छोड़ता हूं, आपकी विचारधारा को जागृत करने के लिए क्या ऐसा होना चाहिए था। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय चिंता जताई थी और कहा था कि हमारे लोगों की वजह से कहीं हमारी स्वतंत्रता नहीं चली जाए। सन 1975 में यह अनुमान साबित हुआ था, हमने इमरजेंसी को भुगता है। उस समय न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन हालातों को देश से बाहर निकालने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने सैनिकों के जज्बे को देखता हूं जो आपको बता दें जून के महीने में भी भीषण गर्मी में हमारी आजादी की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे उनकी ड्यूटी और उनके जज्बे को उनके बलिदान पर भी आपातकाल थोपी गई। आपातकाल को लेकर एक प्रश्न मैं न्यायपालिका के लिए छोड़ता हूं, क्या ऐसा होना चाहिए था। एंड मोस्ट ऑफन वी हैव कोटेड हिम, आई एम रेफरिंग टू लॉर्ड एक्टन। ही रोट अ लेटर इन 1887 टू बिशप मंडेल क्रिक्टन। आई कोट, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। दिस माई फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ यू हैव नोटिस्ड। The letter contains another expression: great men are almost always bad men, unquote. These institutions, I am referring to three pillars of our democracy, these institutions, if rendered vulnerable, would imperil our democracy and thereby derail our developmental trajectory. There are forces, and these forces inimical to our nation, operating from within and without, have pernicious agenda, sinister designs that are not easy to instantly discern. We might be welcoming them in any of these three institutions without knowing their real intention, thinking they are our well-wishers. Fact, distinguished audience, is otherwise. I must invite your attention. Endeavors to infuse a narrative that what happened few days ago in our neighborhood is bound to happen in our Bharat is deeply concerning. How can a citizen of this country, having been in parliament, one belonging to distinguished legal fraternity, the other seen enough of Indian Foreign Service, both had the occasion to hold positions of critical consequence in governance as ministers, take no time in saying what happened in neighborhood
will happen in India. Be on watch out. I'm talking to very distinguished audience, an audience that is discerning. I leave it at that. One of the operational mechanisms of these anti-national forces, and this is now more than apparent, they operate to hide their legitimate actions using platforms of our fundamental constitutional institutions. You know more than I do. Our institutions are being exploited by these forces to set afloat narratives that are not only anti-national, but aimed at derailing the nation, its democracy. Who can dispute today India is the only country in the world that is having that kind of economic rise which none has? Never in the history of any country there have been accolades pouring in day in and day out. There is a country on the rise on every aspect, from sea to land to space and air. Be on the watch. Honorable, distinguished audience, in a scenario like this,